जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जिवें कि आप सब नूं पता है कि असी 400 साल श्री गुरु तेग बहादुर जी का मनाउण जा रहे हाँ। मैं 11वीं जमात की विद्यार्थन गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी बोर्ड तो आप सामने एक पीपीटी पेश कर जा रही हाँ। गुरु तेग बहादुर जी सिखां दे 9वें गुरु होए सन। उन्हां दा जन्म 1 अप्रैल 1621 ईस्वी नूं होया। उन्हां दे पिता जी का नाम श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी से जो कि सिखां दे 6वें गुरु होए सन। उन्हां दी माता जी का नाम गुरु बीबी नानकी जी सीगा। और गुरु तेग बहादुर जी बचपन तो ही बहुत बहादुर सन ते उन्हां दी इस बहादुरी कारण ही उन्हां दा नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी रख दिता गया। गुरु तेग बहादुर जी 20 साल भोरे विच रहे। उन्हां दा जदों भोरे विच प्रभु भगती विच लीन रहे, जदों भोरे विचों आए तो उन्हां दा विआह माता गुजरी जी नाल हो गया। उस तो उपरंत उन्हां दे विआह तो उपरंत उन्हां दे एक बहुत ही होनहार बालक ने जन्म लिया जिसनों 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का नाम दिता गया। जदों आप जदों एक दिन आप अते आपके पुत्र श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दोवें जाने बैठे सन तो 16 कश्मीरी पंडितों का जत्था आया ते आप चक नानकी नूं आया। उन्होंने अपने अपनी अपनी बेबसी जाहिर की, सानू कोई बहुत नहीं होया, सानू कोई भी बौड़ी नहीं होया, हुण साडी आखिरी आस सिर्फ गुरु नानक साहिब की दर ही रह गई। गुरु तेग बहादुर साहिब ने ब्राह्मणा नूं वेख के उन्होंने कहा, गुरु नानक साहिब के दर तो कदे भी कोई खाली नहीं जाता, वाहेगुरु तुहाडी मदद करनगे। जाओ सूबेदार नूं आख दिओ कि जे वह गुरु तेग बहादुर नूं मुसलमान बना लवे तो सारे कश्मीरी ब्राह्मण मुसलमान बन जाएंगे। ते आप उस वेले अपने 3 सिखां नाल जिन्हां दे नाम भाई मतीदास से भाई सतीदास से भाई दयाला जी, आप वो तिन्हां नाल दिल्ली नूं तुर पए। जदों आप दिल्ली पहुँचे तो औरंगजेब ने आप दे सामने 3 शर्तां रखियां। उन्होंने पहली शर्त रखी, तुसी साडा इस्लाम धर्म कबूल कर लो। उन्होंने दूसरी शर्त रखी कि तुसी आप मौत ले तैयार हो जाओ। तो तीसरी शर्त रखी, जे तुसी कोई गुरु हो तो कोई चमत्कार करके दिखाओ। आपने उन्हां दी गल ना सुनते हुए आप चांदनी चौंक वल नूं चल पए। उत्थे आपने अपने शरीर त्याग के 11 नवंबर 1672 ईस्वी नूं अपनी शहीदी दे दित्ती। आपने अपनी शहीदी दे के सारे हिंदुस्तान नूं ढक्किया, इस करके तुहानूं हिंदरी चादर भी कहा जाता है। आप दी शहीदी नूं असीं प्रणाम करते हाँ। आप दी तुक गुरबाणी विच भी है जो इस तरह है, गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो निध्यावे थाए, सब थाई होए सहाए, सब थाई होए सहाए। आपने अपनी शहीदी नाल सारे जहान सारी कौम नू मुसलमाना दे राज तो बचा लिया। आप दी जिथे आपकी शहीदी हुई उत्थे अजकल गुरुद्वारा सीसगंज साहिब बनिया है, जिथे कि बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। जदों मत्था टेकते हैं उन्हां श्रद्धालुओं विच एक बहुत ही हौसले वाला जज्बा पैदा होता है। आप दी मौत उपरंत आप दी गद्दी उत्ते आप दे 10 पुत्र श्री गुरु गोबिंद सिंह जी बैठ गए। उन्होंने उस भी आप दी तरह ही सिख धर्म लई बहुत कुर्बानियां कीतियां। उन्होंने सिख धर्म लई अपना सारा सरबंस दान कर दिता, इस करके उन्होंने सरबंस दानी भी कहा जाता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।